सबसे पहले तो अच्छा बहुत काबिल का प्लान है। तो अगर ये मसूद वालों ने जो है, अगर आप इनकी हेडिंग पढ़ें तो ये द डॉक्टर्स ट्रेनिंग फोरम है, ना कि डॉक्टर्स डिस्कशन फोरम। नहीं, हेडिंग में सीखना सिखाना ही होता है। जी 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 जी, वही वो बात है। और दूसरी बात ये है कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह बड़े डिटेल के साथ इसको वो किया। अच्छा, मेरा ये ख्याल था कि ये चूंकि डॉक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो ये यकीनन बहुत सारे यंग डॉक्टर्स यहाँ पे वो मौजूद होंगे कि जहाँ पे हम थोड़ी सी अपनी तरह धाक बिठा सकेंगे, लेकिन यहाँ आके पता चला कि माशाल्लाह इतने सीनियर्स डॉक्टर्स मौजूद हैं और माशाल्लाह कि हमें उनसे सीखने का जो है ना कहीं मौका मिलना चाहिए। और बजाय इसके कि हमारा लेक्चर होता, यकीनन हमारे बहुत सारे डॉक्टर साहब ने भी जैसे अपना तारुफ जब करवाया तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बहुत बेहतरीन बात लगी कि डॉक्टर साहब ने रिपर्टरी का हवाला दिया, सिम्टम्स का हवाला दिया। तो यकीनन मेरी भी यही कोशिश होगी कि ऐसा तो नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा सकूं, सिर्फ एक प्रोग्राम के हवाले से एक जनरल डिस्कशन हम कर लेते हैं कि जी लीवर के हवाले से जैसे कि पैथोलॉजी फिजियोलॉजी की बात की गई, तो आई थिंक थोड़ा सा हम इसकी पैथल जो है जिगर के बारे में जान लेते हैं, थोड़ी सी इसकी सिम्टम और मेडिसिन। और सारे ही डॉक्टर्स तकरीबन कहीं ना कहीं किसी न किसी सिम्टम पे जो है वो कोई ना कोई चीज़ यूज़ करवा रहे होते हैं। अच्छा, क्लिनिकल एक्सपीरियंस हर किसी का अपना होता है। बाज वक्त ऐसा होता है कि कॉम्बिनेशन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा होता है, बाज वक्त सिंगल पोटेंसी का जो सिंगल वाले हैं वो कॉम्बिनेशन को तरजीह नहीं देंगे, जो कॉम्बिनेशन वाले हैं वो कहेंगे नहीं जी क्या हम 6 महीने इंतज़ार करते रहे। तो दोनों तरह से वो है, सबकी राय का बहुत एहतराम। कहीं मुझसे गलती हो जाए, कोई चीज़ मेरे समझने में गलती हो जाए तो मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि मुझे जो है आप लाजमी उस चीज़ में मेरी इस्लाह करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत ज़्यादा काबिल इंसान हूँ। माशाल्लाह डॉक्टर साहब इतने काबिल आदमी और दूसरे माशाल्लाह इतने एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं, तो जनरली ये अपना सिर्फ जिगर के हवाले से जो है वो एक थोड़ी सी स्पीच के लिए आप ये थोड़ी सी अपनी मालूमात शेयर करना चाह रहे हैं। सिंपल पहले हम जिगर का अगर तारुफ करें तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे जिस्म का जो है ये बहुत बड़ा वजूद है एक वो। अच्छा, इसके अलावा जिगर के अंदर कुदरत ने एक सिस्टम ये रखा है। अच्छा, लोकेशन बताने की तो आई थिंक मुझे ज़रूरत नहीं है, सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। राइट साइड जो है पसलियों के नीचे जो है पेशेंट आके जब डिस्कस करता है। अच्छा, जिगर के अंदर सबसे बड़ी कुदरत ने एक सिस्टम रखा है कि ये जब तक अपना फंक्शन करता रहता है तब तक जब तक ये 70% तक नाकारा नहीं हो जाता, उसके बाद ये अपनी हिम्मत खत्म कर देता है और उसके बाद ये डैमेज हो जाता है, जिसको हम जिगर ट्रांसप्लांट की तरफ जो है जब पेशेंट कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इससे पहले पहले जिगर जो है अपने सारे मामला जो है वो अंजाम दे रहा होता है, जैसे बाइल पैदा करता है और इसके अलावा फैट्स को हजम करने में, खाना हजम करने में जो है ये मददगार साबित होता है। तो ये सारे अपने फंक्शन कर रहा होता है और ये फंक्शन करते करते बाज़ वक्त थक जाता है, बाज़ वक्त जो है बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बर्डन आ जाता है, तो वो उसके अंदर जो चेंजिंग हो जाती है वो बाज़ वक्त वायरल इन्फेक्शन भी इसको जो है अफेक्टेड कर रहा होता है। आजकल जो है हमारे इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता जा रहा है खाने की वजह से, मोबाइल की वजह से, दूसरी चीज़ों की वजह से, वो मामला हैं जो जिगर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। थर्ड वन पे जो है इम्यूनिटी से विरासती मुंतकिल, यानी वालदैन में अगर जिगर डिस्टर्ब है तो वो बच्चों में मुंतकिल हो रहा है। उसके बाद आजकल हमारे यहाँ बर्गर्स का बहुत ज़्यादा जो है रुझान है, समोसों का, पकौड़ों का, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा रुझान है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे फंक्शन की तब्दील, जिगर के फंक्शन में चेंजिंग पैदा करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो है मोटापा है, डायबिटिक है, और बाज़ वक्त ऐसा होता है कि हॉस्पिटल्स में जब खून लगाया जा रहा होता है तो उससे भी हमें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जो बीमारी जो डिजीज़ कन्वर्ट हो जाती है उसके अंदर। अच्छा, अल्कोहल या मनशियात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अल्कोहल बेसिकली हमारे यहाँ मुसलमान माशरे में हराम है, तो यहाँ तो इतना ज़्यादा ये इस चीज़ का नहीं होता, लेकिन मनशियात के हवाले से ज़रूर जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ को एडिक्ट बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी जो है वो डिस्टर्ब कर रही है। इसके अलावा हम बुराई नहीं करेंगे एलोपैथिक मेडिसिन की, लेकिन चूँकि केमिकल से तैयार होती हैं तो उसका भी बाज़े लंबे अरसे तक इस्तेमाल, जैसे एलोपैथिक डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं जी आपने ब्लड प्रेशर की दवाई खाना छोड़ देना है, आपने ये दवाई ज़िंदगी भर खानी है। तो इस तरह से बहुत सारी दवाई जो हमें जिगर को डिस्टर्ब कर रही है। अच्छा, अगर यहाँ हम अलामात की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हमें तो एज अ डॉक्टर को सारी चीज़ें मालूम है कि जो है वो पेशेंट की जो है वो जिन
या आंखों का रंग जो है वो जर्द हो जाता है। अमूमन पेशेंट आके अपना यूरिन का बताता है कि जो यूरिन मुझे पीला आ रहा है, आंखें मेरी देखे कि वो पीली तो नहीं हो रही, पेट में सूजन हो रही होती है और बाज़े लोगों को उल्टी हो रही होती है, क्रय होती है और कॉन्स्टिपेशन तो लाजमी, कॉन्स्टिपेशन जिगर के मामले में लाजमी हो जाता है। गो के इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का ये प्रॉब्लम है कि उसकी वजह से होता है, लेकिन मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि बेसिकली हम अगर हिकमत के हवाले से देखें उसमें भी यही है कि अगर जिगर सुस्त हो जाता है तो इंसान का खाना पीना कम हो जाता है। जब खाना पीना कम होता है तो ऑटोमेटिक आगे ट्रांसफर लार्ज इंटेस्टाइन में मूवमेंट उसकी स्लो हो जाएगी, ड्राइनेस हो जाएगी, तो वो जिगर है। तो बेसिकली कॉज बना जिगर और आगे जो फंक्शन है वो लार्ज इंटेस्टाइन का है। अच्छा, इसके साथ साथ चूंकि मैं पेशेंट को जब भूख नहीं लगती, कमजोरी हो जाती है, तो वो कमजोरी भी आ जाती है, खून की कमी हो जाती है, थकान उसको बहुत ज्यादा होती है और किसी काम को दिल नहीं लग रहा होता उसका, जिसको वो कहता है कि मुझ पर किसी ने कुछ करवा दिया है, तो जो है मेरे साथ ही मसला हो गया। वो केवल सिर्फ जिगर की बीमारी होती है, किसी ने भी कुछ करवाया होता बाहर। अच्छा जी, एहतियात तो हम जब इसके हवाले से बात करेंगे तो उसके जो है, अच्छा यहाँ पे सेकंड जब हम बात करेंगे वो तशखीस के हवाले से बात करेंगे कि अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, डॉक्टर साहब की बुक भी है जो रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ने के हवाले से, तो चूंकि हम एलोपैथिक माशरे में रहते हैं तो बहुत सारे टेस्ट भी पेशेंट पहले आके ये कहते हैं कि आप हमारा जो टेस्ट करवा लें, वो के सामने वो चेहरा उसका पीला है, आंखें पीली, उसके बावजूद वो कह रहे हैं हमारा टेस्ट करवा लें, ये पता तो चले आखिर जो है वो कितना हुआ। तो अगर टेस्ट की बात की जाए तो उसमें एलएफटी है, ब्लड टेस्ट है, यूरिन लिया है और स्टूल भी जो है बार बार चेक करवा लिया जाता है ज़्यादा अगर होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात जो है वो कर लाजमी बोलना चाहूँगा, हमारा माशरा वैसे मुसलमान के हम जिगर के हवाले से जब पीलिया हो जाए, जॉइंटिस या दूसरे अमराज हो जाए, तो इसमें हम एक जो अमल हमारे यहाँ होता है वो है झड़वाने का अमल, पढ़ने का अमल, दम करने का अमल। और ये ना सिर्फ हमारे माशरे में बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग जो इस चीज़ को कहते हैं कि नहीं जी, आप भले ही दवाई ले लें, जब तक आप झड़वाएंगे नहीं तब तक पीलिया ये जॉइंटिस ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। अच्छा, टाइम चूँकि थोड़ा है, डॉक्टर साहब ने बात की है तो इतना ज़्यादा हम मेडिसिन के हवाले से तो कुछ मेडिसिन को डिस्कस कर लेते हैं। और जैसे डॉक्टर साहब ने भी पहले जिक्र किया कि जिनकी सिम्टम्स पे हम जाहिर से बात है कि डिटेल में मेडिकल में आसानी के साथ देख लेते हैं, तो जो जनरली यूज होने वाली मेडिसिन है उसके बाद थोड़ा सा एक्सपीरियंस दूसरा अपने हवाले से एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। नॉर्मली ज़्यादातर मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है चेलोडोनियम, और चेलोडोनियम बहुत सारे लोग अमूमन मदर टिंचर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ का ख्याल है कि मदर टिंचर से ज़्यादा पोटेंसीज उन्हीं की पोटेंसीज जो है वो ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो ये तो हम सारे होम्योपैथ इस पर हम मुत्तफिक हो नहीं सकते, तो इसको हम ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे। राइट साइड के हवाले से लाइकोपोडियम की बात करेंगे, लाइकोपोडियम में भी हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पेट में अफारा हो जाता है, शाम में अमूमन आके अमूमन लोग ये कहते हैं कि जी हमें असर के बाद हमारी तबीयत खराब हो जाती है, तो लाइकोपोडियम की बहुत की सिम्टम है वो के इसको दूसरे मायनों में भी लिया जाता है। उसके बाद फास्फोरस की बात की जाए तो फास्फोरस भी हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें गैसेस का इखराज बहुत ज़्यादा होता है, पेट अफारा है, खट्टी डकार है। अच्छा, फास्फोरस की एक खास निशानी जो है वो हाथों का और पैरों का जलना है, हाथों का और जलन बहुत ज़्यादा है। सेम यही कंडीशन सल्फर में भी है, लेकिन सल्फर में हम जानते हैं कि वो सर की जो है वो गर्माइश वो ज़्यादा अहमियत रखती है, हाथों में भी उसमें वो होती है। और फास्फोरस की जलन सल्फर से भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी बहुत सारी सिम्टम नहीं मिल रही होती है और सिंपल जलन के ऊपर जो है फास्फोरस बहुत बेहतरीन काम करती है। और चलते चलते बहुत सारे लोग शायद इस चीज़ को हो सकता है कि एग्री करें नहीं करें, एक बरसबीले तस्करा, फास्फोरस अमूमन जो लोग कहते हैं कि जो नज़र लग जाती है तो फास्फोरस उसमें भी काम करती है अगर दूसरे मामले में देखा जाए। अच्छा जी, इससे उसके बाद जिस मेडिसिन का जिक्र करेंगे वो है कार्डवस। कार्डवस में भी हम जानते हैं कि गोल्डन रंग का यूरिन जो है वो पीला जैसे अमूमन आता है वो हो जाता है। और जैसे पहले भी हमने बात की कॉन्स्टिपेशन तमाम जो मेडिसिन है उसके अंदर कब्ज लाजमी मिलेगा, उसकी वही वजह जो अभी हमने बयान की कि वो जो जिगर हमारा जब बाइल गिराता है और फैट्स डिजॉल्व नहीं हो पाता और आगे जो है इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये कफ तो हमेशा सब में ही रहता है। अगली मेडिसिन की बात करेंगे वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जिसको कुचला, हिकमत में कुचला कहा जाता है,
और कुछला बेसिकली अगर इसके थोड़ी सी बात की जाए नक्स के हवाले से, हम मदर टिंचर 100 रात में पोटेंसिस की यूज़ की जाती है। अच्छा, कुछला चूँकि एक जहर है और हिकमत में इसमें जो है मर्दाना ताकत के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, और जहर है तो एक दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि जहर को जहर मारता है। हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा हो जाता है वो उसको ख़त्म करने के लिए इस हवाले से नक्स वोमिका 200 रात में बेहतरीन रिजल्ट देती है। सेम कॉन्स्टिपेशन की जैसे पहली बात की, पायरस की बात की, सेम उसी तरह से जिगर का भी यही प्रॉब्लम है, तो उसमें भी नक्स जो है वो अगर रात में एक डोज दी जाए तो ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट देती है। अच्छा, इसके बाद एक सबसे बड़ी बेहतरीन मेडिसन है वो है लैट्रम सल्फ। लैट्रम सल्फ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अच्छा, ये दोनों तरह से यूज़ होती है। होम्योपैथिक पोटेंसी में 30 में 200 में लोग ले आते हैं, और 6x में अगर आप बायोकेमी के रिसर्च पढ़ें तो बायोकेमी के हवाले से हमारे जिसम में नमकियात की या तो डेफिशिएंसी या तो ज्यादती हो जाती है या कमी हो जाती है। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि लो पोटेंसी में 6x में उस नमकियात का अगर बैलेंस ओवर है तो भी कम कर देगी, अगर ज़्यादा कमी है तो भी कम कर देगी। तो ऐसी कंडीशन में वो कंटिन्यू जो लोग बायोकैम की इस्तेमाल करते हैं वो 6x कंटिन्यू इस्तेमाल करवाते हैं, उनके लिए 230 दोनों चीज़ें जो है वो अहम नहीं है। उनके लिए 6x या 12x, और बल्कि कुछ डॉक्टर जो है वो 3x को भी तरजीह देते हैं कि कंटिन्यू 3x यूज़ करनी है। इसके बाद जो सबसे बड़ी मेडिसन है वो है चाइना मेरी नज़र में, और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं मेरे ख्याल में मेरे समय बहुत सारे लोग चाइना को बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं। पीलिया कह लें आप, उसके हवाले से कभी हमने बात नहीं की कि वो पीलिया या जॉइंटिस या हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी, कि जिगर अगर जब बढ़ जाता है तो हेपेटाइटिस बी है, जब सेनोसिस या कुछ बढ़ जाता है तो हेपेटाइटिस सी की तरफ कन्वर्ट हो जाता है, और हेपेटाइटिस ए हम ज़्यादातर जानते हैं कि कैरियर है, ज़्यादातर लोगों में एक खामोश कातिल की तरह हमारे जिस्म में मौजूद होता है। बाहर बच्चों के हम होम्योपैथिक की बात कर रहे हैं, और होम्योपैथिक सिम्टम बेस है ना कि क्लिनिकल जो है टेस्ट के ऊपर हम किसी चीज़ पे चलते हैं, ठीक है ना। हमें आके अगर पेशेंट बताता है कि जी मुझे हाथों पैरों में जलन है तो ये उसकी सिम्टम है, किसी टेस्ट से ये नहीं पता चलेगा कि उसके हाथों में जलन है। तो इस हवाले से मैं भी अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ चाइना की, कि चाइना अमूमन खासतौर पर न्यू बॉर्न आजकल के माशरे में अब जो है एलोपैथिक में बहुत ज़्यादा रुझान हो गई, कि बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल में हुआ और सबसे पहले उन्होंने कहा जिसको पीलिया हो गया, ये इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक्सपीरियंस में बहुत सारे ऐसे जो मेरे पेशेंट हैं रेगुलर पेशेंट हैं, कि ऐसा भी हुआ है कि बच्चा अभी पैदा हुआ है और पहले दिन को अभी वो हॉस्पिटल में है और आके उन्होंने कहा और उनको चाइना 30 सिंपल दी गई है बच्चे को, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर क्लियर हो गया है।